नमस्कार, आज हम सीखेंगे पीएचपी में एरे क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। एरे के द्वारा हम सिमिलर टाइप्स के डाटा एलिमेंट्स की मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स और द वैल्यूज अंडर ए सिंगल वेरिएबल नेम, कि हम एक ही वेरिएबल नेम से मल्टीपल वैल्यूज़ को हम स्टोर करके रखते हैं, उसे हम एरे कहते हैं। एरे को डिफाइन करने के लिए जो इसका जो सिंटैक्स है वो होता है आपका एरे फंक्शन। हम यहाँ पे ये एरे फंक्शन का यूज़ लेंगे इसको डिफाइन करने के लिए। इसका जो सिंटैक्स होगा एरे फंक्शन होगा आपका, उसके अंदर हम ये मल्टीपल वैल्यूज़ को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, हमने एक एरे फंक्शन लिया जिसके अंदर हमने तीन वैल्यूज़ डिफाइन करी हुई हैं, 5, 6 और 9। और ये जो एरे फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने डॉलर वेरिएबल नेम हमने डिफाइन किया है। मीन्स हम डॉलर जो वेर है WAR, ये एक वेरिएबल नेम है जिसको हम कहते हैं एरे वेरिएबल नेम है आपका, जिसके अंदर हमारी ये वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं 5, 6 और 9। ये जो 5 है आपका ये 0 इंडेक्स पे स्टोर है, ये आपका 1 इंडेक्स पे स्टोर है और ये आपका 9 इंडेक्स पे, सॉरी 2 इंडेक्स पे स्टोर है। इसको एग्जांपल से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक ये एरे वेरिएबल है डॉलर ए और ये हमारा फंक्शन है या एरे फंक्शन है जिसमें हमने वैल्यूज़ डिफाइन करी हुई हैं हेलो पवन एंड गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ ले रहे हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर। इस फंक्शन का जो है, जो भी आपका डॉलर वेरिएबल है जो यहाँ हम इसमें फंक्शन में डिफाइन करेंगे, उस वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज़ को ये डिस्प्ले कर देगा विद इट्स इंडेक्स नंबर के साथ, कि इसका जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसके साथ में ये डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा आपका कि आउटपुट है कोई एरे है जिसका 0 इंडेक्स पे हमको क्या मिला, हेलो। ये आपका 0 इंडेक्स पे हेलो है, 1 इंडेक्स पे है आपका पवन, 2 इंडेक्स पे है आपका गुड मॉर्निंग। हमको ये आउटपुट मिलेगा जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमने सेम वेरिएबल नेम एरे यूज़ लिया है ए डॉलर ए और यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ लिया है एरे फंक्शन जिसमें हमने वैल्यूज़ डिफाइन करी हैं। यहाँ पे देखिए हम इको स्टेटमेंट यूज़ में ले रहे हैं, इको डॉलर ए और यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स वैल्यू हमने डिफाइन करी है 2। इट मीन्स ये डॉलर ए जो आपका एरे है, इस एरे के सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे 0, 1 और 2, मीन्स दिस वन, इस इंडेक्स को ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। इको डॉलर ए इंडेक्स 2 पे आपका क्या गुड मॉर्निंग, तो आपका आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग। पीएचपी में एरे 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, इंडेक्स्ड एरे या हम कह सकते हैं इसको न्यूमेरिक इंडेक्स एरे। ये वो एरे होते हैं जो जिनकी इंडेक्सिंग न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से होती है। मींस जैसे अभी हमने डिफाइन किया 0, 1, 2, एरे में स्टोर की गई सभी वैल्यू अलग अलग इंडेक्स पर सेव होती हैं, जैसे 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इन सभी इंडेक्स नंबर को उन वैल्यूज़ की भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये इंडेक्स नंबर है, मीन 0 इंडेक्स पे है, इनको हम की भी बोल सकते हैं कि 0 की भी आपका है हेलो। एसोसिएटिव एरे वो एरे होते हैं जिनकी इंडेक्सिंग हम खुद अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिक इंडेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग रहती है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हम क्रिएट कर सकते हैं, सो ऑन होती है।
लेकिन एसोसिएटिव एरे में जो आपके इंडेक्सिंग है वो यूज़र या प्रोग्रामर खुद अपने हिसाब से उसको बना सकता है। इसी तरह से एरे में इंडेक्सिंग की हम खुद बना सकते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को अच्छी प्रकार से स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए एरे बहुत ही इजी होते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे, वो एन एरे डेट कंटेनिंग वन और मोर एरे एंड द वैल्यू आर एक्सेस यूजिंग द मल्टीपल इंडेक्सेस। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर एरे में ही हमारे पास में वन और टू या उससे भी ज़्यादा एरे हो सकते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं, न्यूमेरिक इंडेक्स क्या होता है। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कोई की, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या आपके जो एरे होंगे वो न्यूमेरिक इंडेक्स ही होते हैं। पीएचपी में बाय डिफ़ॉल्ट सभी एरे न्यूमेरिक इंडेक्स ही बनते हैं। अभी जो एग्जांपल्स में हमने देखा, ये आपका न्यूमेरिक इंडेक्स के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ये न्यूमेरिक इंडेक्स के हैं, जैसे ये ज़ीरो पे है, ये जो इंडेक्स वन पे है, ये आपका टू इंडेक्सेस पे है। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स एरे में इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है, ये हम देख चुके हैं। हर एरे में के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, कि आप जब इंडेक्सिंग जब एरे की वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम हर वैल्यू के बीच में हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। देखिए, इसका जो सिंटेक्स है डिफाइन करने का, यहाँ पे आपका ये एरे वेरिएबल हो गया और ये एरे फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, और ये वैल्यू अगर न्यूमेरिक टाइप है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, और अगर स्ट्रिंग टाइप है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे। इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये पीएचपी कोड स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे हमने एक स्टड वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यूज़ स्टोर कराई हैं। ये आपका एरे वेरिएबल हो गया, इसमें तीन वैल्यूज़ हमने स्टोर करी हैं। जीरो इंडेक्स पे आपका मुकेश है, राम है, वन इंडेक्स पे और ये आपका टू पे आपका सोनू है। ये अपने स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए हमने देखो यहाँ पे डबल कोट्स हमने यहाँ शो किया है, और ये न्यूमेरिक टाइप है तो हम इसको डायरेक्टली इसको यहाँ पे वैल्यूज़ को एंटर करा दिया है। डॉलर मार्क्स इज इक्वल टू एरे फंक्शन, और 95, 93 और 95 हो गया आपका ये इंडेक्स टू पे। यहाँ पे जैसे प्रिंट फंक्शन जो मैंने बताया, प्रिंट अंडरस्कोर आर, ये क्या करेगा, स्टड फंक्शन मीन्स स्टड फंक्शन आपका स्टड सॉरी वेरिएबल जो है आपका, ये एक एरे टाइप का है, इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा विद इट्स इंडेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, जब ये एग्जीक्यूट होगा ज़ीरो एरे होगा, एरे आएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ, फिर ज़ीरो इंडेक्स पे मुकेश, वन पे राम और टू पे। यहाँ पे देखिए आप, ये नेक्स्ट लाइन के लिए हो गया है इको डॉलर मार्क्स वन इंडेक्स, वन इंडेक्स पे क्या है आपका 93 है, तो ये आपका 93 डिस्प्ले हो गया। हम न्यूमेरिक इंडेक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम इंडेक्स टाइप या इंडेक्स जो आपका है उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को सेपरेटली स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स पे हमने मुकेश स्टोर किया, स्टड वन इंडेक्स पे हमने राम, टू पे सोनू, ऐसे ही हमने न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर किया, ज़ीरो पे 95, 1। और अगर हम इनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमको वही वेरिएबल नेम विद इट्स इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब विद इट्स इंडेक्स नंबर जब हम लिखते हैं तो हमारा ये आउटपुट आएगा आपका, स्टड ज़ीरो पे क्या है आपका मुकेश, स्टड वन पे क्या है आपका राम, स्टड टू पे है आपका सोनू। अब आगे देखते हैं हम इंडेक्स एरे को, अगर हम इंडेक्स नंबर से शो नहीं करते हैं तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टड, उसके बाद में आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर शो नहीं किया है, देखो तो हमने स्टड जो हमारा ये एरे वेरिएबल है इसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो असाइन हो गई, उसके बाद में सेकंड हो गई, फिर थर्ड हो गई, तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है।
लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये ज़ीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा आपका मुकेश, बाय डिफ़ॉल्ट आपका वन पे राम, टू पे आपका सोनू, ऐसे ही आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर होंगी। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो स्टड ज़ीरो पे आपका आउटपुट आएगा मुकेश, स्टड वन राम, स्टड टू सोनू। ऐसे ही ये सिमिलर ऐसे ही आउटपुट आपके ये आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से हम इसको न्यूमेरिक इंडेक्स को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है कार्ड्स, इसको हमने डिफाइन किया है एरे, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं आपके वोल्वो, BMW, टोयोटा। यहाँ पे हमने देखिए एक और वेरिएबल लिया डॉलर एरे लेंथ, और इसके अंदर वैल्यू हमने असाइन कराई है क्या, काउंट फंक्शन लिया। ये काउंट फंक्शन क्या है, एरे फंक्शन है ये हमारा, और जो हमारा ये वेरिएबल है कॉर्ड्स, ये क्या करेगा काउंट फंक्शन कि इस जो कार्ड्स वेरिएबल है इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं आपकी, नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स है उनको काउंट करके ये असाइन कर देगा किसको, एरे लेंथ को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में कितने डाटा एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तीन डाटा एलिमेंट्स हैं आपके, वन टू और थ्री। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका थ्री, ये सॉरी यहाँ पे ये आपका माइनस वन नहीं आएगा, सॉरी ये है आपका जो ये है आपका यहाँ पे माइनस वन नहीं आएगा। देखिए आपका जो वैल्यूज़ हैं क्या हैं आपके एरे वन टू और थ्री, तो यहाँ पे एरे लेंथ आ गई आपकी थ्री। अब एक हमने एक लूप चलाया है डॉलर एक्स के अंदर वैल्यू असाइन करी ज़ीरो, डॉलर एक्स में वैल्यू असाइन करी है आपने मतलब ज़ीरो, डॉलर एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू यहाँ पे एरे लेंथ की वैल्यू क्या है आपके पास में थ्री, देन डॉलर एक्स प्लस प्लस। सबसे पहले ये जो इनिशियलाइजेशन हुआ है ज़ीरो, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी ज़ीरो इज़ लेस देन थ्री ट्रू, अगर ये ट्रू है तो इन बिटवीन जो हमारे फोर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे देखिए इको डॉलर कार्ड्स, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो, मीन्स डॉलर कार्ड ज़ीरो। डॉलर कार्ड क्या है आपका वेरिएबल है, और ये इसमें आपका क्या इंडेक्स नंबर ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है आपका वोल्वो। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू होगी आपकी डॉलर कार्ड ज़ीरो, ये वोल्वो यहाँ आपका आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, देन कंट्रोल यहाँ आएगा, फिर एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, देन कंडीशन चेक हुई यहाँ पे वैल्यू क्या होगी वन, वन इज़ लेस देन टू ट्रू, देन यहाँ पे अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई वन, वन में क्या है आपका BMW, BMW आउटपुट में आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन, देन कंट्रोल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका टू, ट्रू, टू इज़ लेस देन थ्री ट्रू, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई टू, टू पे क्या है आपका टोयोटा, टोयोटा हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन, जैसे ही यहाँ पे थ्री होगा, थ्री आ जाएगा, थ्री इज लेस देन फॉल्स, देन वी कम्स आउट फ्रॉम द फोर लूप, और हमारा आउटपुट आएगा ये। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव एरे। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो न्यूमेरिक एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंडेक्सिंग न्यूमेरिक टाइप की होती है, ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पे यूज़र अपने अकॉर्डिंग की को डिफ़ाइन कर सकता है। इंडेक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये साइन यूज़ में लेंगे आपके इक्वल टू और ग्रेटर देन का, इस साइन के साथ हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। इसका जो सिंटेक्स है आपका, देखिए ये आपका हो गया वेरिएबल नेम, ये आपका एरे फंक्शन क्योंकि एरे हम क्रिएट कर रहे हैं, और ये आपके हो गया की वैल्यू,
अगर हम न्यूमेरिक की अगर न्यूमेरिक की और न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही यूज़ में ले रहे हैं तो की वन हम इस साइन का यूज़ में लेंगे और यहाँ वैल्यू असाइन करेंगे, की टू देन वैल्यू देन की एन देन वैल्यू। अगर हमारे पास में स्ट्रिंग की है और हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्ट्रिंग वैल्यूज़ की हैं और स्ट्रिंग ही वैल्यू है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एरे, इसको डबल कोट्स में हमने यहाँ लिया, फिर हमारा साइन, देन हमारे वैल्यूज़ एंड सो ऑन। अगर हमारे पास में न्यूमेरिक की है और स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम की ऐसे डिफाइन करेंगे और ये आपका साइन होगा और ये वैल्यू असाइन के लिए वैल्यू हो गई आपकी स्ट्रिंग टाइप एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए आप स्ट्रिंग की है और आपका न्यूमेरिक वैल्यू है तो स्ट्रिंग की को हम एक वेरिएबल नेम हो गया आपका एरे वेरिएबल नेम और ये आपका एरे हो गया डिफाइन और ये क्या है आपका वैल्यूज़ होनी चाहिए तो यहाँ पे क्योंकि एसोसिएटिव टाइप है तो ये जो की है आपकी डेट इज़ एसोसिएटेड विद द दिस वैल्यू इज़ एसोसिएटेड विद द की वन स्ट्रिंग टाइप का है आपका, वैल्यू टू इज़ एसोसिएटेड विद द की टू एंड सो ऑन। तो एसोसिएटिव एरे में हम की को डिफाइन करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो हमारी एसोसिएट करेगी जो भी की हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिक में क्या होता है कि हमको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं हमारा क्या है बाय डिफ़ॉल्ट ही वो 0, 1, 2 इंडेक्सिंग होती है वहाँ। इसमें एक एग्जांपल ले लिया हमने डॉलर ए, एक एसोसिएटिव एरे हमने डिफाइन किया है और यहाँ पे हमको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा आपका देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इड एरे और ऐसे ये आपका एरे देखिए यहाँ पे हमने एरे लिया, यहाँ पे हमने की करी नेम और इसमें वैल्यू असाइन कर दी पवन, एज वैल्यू असाइन कर दी हमने 20 एंड सिटी वैल्यू असाइन कर दी। जब हम इसको इको डॉलर ए नेम, जो भी नेम है आपका इको डॉलर नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आउटपुट पवन, इको डॉलर ए एज, एज में क्या आएगा आपका वैल्यू डिस्प्ले होगी आपकी 20, इको डॉलर ए सिटी आपका दिल्ली डिस्प्ले होगा। हम इसको दो प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि हमने एक एरे वेरिएबल ले लिया परसेंटेज इज इक्वल टू एरे और यहाँ पे हमने की ले ली है बाय नेम और ये हमारा वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यूज हमने यहाँ डिफाइन करी हैं तो ये वैल्यू आपके असाइन हो गई विद की मुकेश, 85 असाइन विद राम की राम एंड 60 असाइन विद की सोनू। यहाँ पे देखिए इको मुकेश गॉट, ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप है और यहाँ पे हमने डॉट कंकेटिनेट के लिए है आपका ये डॉट और यहाँ पे ये क्या है ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है डॉलर परसेंटेज, एक वेरिएबल है एरे टाइप का और इसका जो इंडेक्स की है वो है मुकेश और उसकी जो इंडेक्स की है वो आपके मुकेश होगी, मींस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 86। सो आउटपुट आएगा मुकेश गॉट 86, देन ये स्ट्रिंग है आपकी
परसेंटेज और ये परसेंटेज। देन नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखिए, राम गोट डॉट परसेंटेज, और यहाँ पे जो की है राम है, राम मीन्स जो वैल्यू आपकी असाइन होगी वो क्या होगी, 85, तो 85 फिर परसेंटेज। ऐसे ही सोन, आपका सोनू गोट, और यहाँ पे जो की है सोनू 60 एंड 60 परसेंटेज। आप एसोसिएटिव एरे को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली भी डिफाइन कर सकते हैं। परसेंटेज हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें क्या किया, हमने की डिफाइन करी और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 99 वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दिए, कि इसमें इंडेक्स वैल्यू जो की है आपकी मुकेश, ऐसे ही राम और सोनू में। अब इसको अगर हम डिस्प्ले करवाते हैं, इको मुकेश गॉट डॉलर परसेंटेज जो वेरिएबल है आपका, और ये यहाँ पे की वैल्यू जो इंडेक्स है आपके, की वैल्यू क्या है मुकेश, तो 99 आपका यहाँ पे 99 आएगा, यहाँ पे आपका 99 परसेंटेज, और इको राम गोट परसेंटेज राम, परसेंटेज राम 85 यहाँ आएगा आपका, एंड इको सोनो 60 एंड 60 यहाँ आएगा। देखिए 95 की जगह आपका क्या आएगा, 99 जो है आपका, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 99 असाइन है किस में आपका, मुकेश की में, तो यहाँ पे मुकेश की में क्या है आपका, इसकी जगह वैल्यू क्या आएगी, ये 95 की जगह आपका क्या आ जाएगा, 99। इसमें एक एग्जांपल और हमने यहाँ पे लिया है, एक एज एरे लिया है हमने, जिसमें एसोसिएटिव टाइप का है, मुकेश के पे हमने 35 असाइन किया है, राम में हमने 37 असाइन की है वैल्यू, और सोनू में हमने वैल्यू असाइन की है 43। यहाँ पे देखिए फोर ईच लूप जो है हमारा, फोर ईच लूप क्या है, फोर ईच लूप डॉलर एज एज जनरली क्या आता है आपका, यहाँ पे वैल्यूज़ है क्योंकि एसोसिएटिव टाइप है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया विद इट्स की वैल्यू डॉलर एक्स, और एसोसिएटेड विद वैल्यू डॉलर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं ये। तो फोर ईच जो है आपका, जो भी हमारा एरे होगा उस एरे का फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा और देन ये कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक हमारी एलिमेंट्स मतलब टोटल एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक ये फोर ईच लूप चलेगा। इको डॉलर की ये आपके स्ट्रिंग हो गया है, ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, की इज इक्वल टू डॉलर एक्स, डॉलर एक्स क्या है आपका, क्योंकि हमारा जी फोर ईच लूप स्टार्ट विद फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, डॉलर एक्स क्या है आपका मुकेश, तो मुकेश आ गया यहाँ पे, डॉलर एक्स वैल्यूज, डॉलर एक्स में क्या आ गया आपका मुकेश, फिर आपका ये स्ट्रिंग है कॉमा एज इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ गया डॉलर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू, मींस डॉलर एक्स जो की वैल्यू है मुकेश, इसके अंदर क्या है आपका डॉलर एक्स वैल्यू 35, तो यहाँ पे एज इज इक्वल टू 35। ऐसे ही आपका जब ये फिर यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ आएंगे, देन कंट्रोल फोर लूप एग्जीक्यूट होगा वापस सेकंड एलिमेंट पे जाएगा। सेकंड एलिमेंट में क्या है आपका डॉलर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके राम, देन राम, फिर डॉलर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 37, फिर कंट्रोल थर्ड एलिमेंट पे इस पे जाएगा, थर्ड एलिमेंट पे सोनू, देन 43 सॉन्ग एंड 43। अब ये आपका जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, देन वी कम्स आउट फ्रॉम द फोर ईच लूप। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम नेस्टेड एरे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपका एक एरे है, उस एरे के अंदर ही आपके मल्टीपल एरे हैं, 1, 2, 3 जितने भी आपने एरे डिफाइन करना चाहें उसके अंदर आपके मल्टीपल एरेज हैं।
मल्टी डायमेंशनल एरे में रोज और कॉलम होते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एक हमारे पास में डॉलर कार एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, जिस एरे के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो भी अपने आप में एक एक एरे हैं। मीन्स इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी एरे है आपका, सेकेंड एलिमेंट भी एरे है, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ देखिए आप इको डॉलर कार ज़ीरो ज़ीरो मीन्स ज़ीरो ज़ीरो डॉलर कार है आपका। इसमें आपका क्या है, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या है आपका, एरे वोल्वो 22 18 फर्स्ट इंडेक्स। फिर आपका जो नेक्स्ट इंडेक्स आ रहा है वो भी आपका क्या है, ज़ीरो मीन्स एरे का फर्स्ट इंडेक्स है दिस वन, और इसका फर्स्ट इंडेक्स है क्या है, वोल्वो। तो हमारा ये इको डॉलर कार्ड ज़ीरो ज़ीरो पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वोल्वो। इन स्टॉक ये आपके क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ आपके डिस्प्ले हो गई है यहाँ पे। फिर डॉट डॉलर कार 01 इट मीन्स ज़ीरो ये एरे है, और इसमें वन इंडेक्स पे क्या है, 22, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, 22। देन स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई आपकी सोल्ड डॉलर कार 0 इंडेक्स 2 02 मीन्स डॉलर कार 0 पे क्या है आपका ये, और इसमें 2 पे क्या है, 18। देन आपका ये 18 डिस्प्ले होगा। ऐसे ही आपका लेट अस सपोज इको डॉलर कार 30, यहाँ पे देखिए डॉलर कार थर्ड इंडेक्स क्या है आपका, 0 1 2 और 3, थर्ड इंडेक्स ये है। यहाँ पे 0 पे क्या है आपका, मारुति, तो देखिए 3 और इसमें क्या है आपका, 0 इंडेक्स पे मारुति, तो यहाँ पे आपका मारुति डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए आपका यहाँ देखिए डॉलर कार 3 2 डॉलर कार 3 0 1 2 3 3 पे क्या है आपका, 3 पे 2 इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 15, तो आपका ये 15 डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पीएचपी में एरे हैं, न्यूमेरिक एरे, न्यूमेरिक इंडेक्स, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे।